हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर। मैं पंकज कुमार आज आपसे एक बेहतरीन किस्सा बात करने वाला हूं जो मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसा क्या है गुरु में कि भगवान के साथ शिष्य और गुरु दोनों एक जगह है, भगवान और गुरु एक जगह है। शिष्य पूछ रहा है कि पहले किसका पांव लगो, तो भगवान खुद बोलते हैं कि पहले अपने गुरु का लगो। ऐसा क्या है दोस्तों, मैं बात करता हूं। एक लड़का था, बहुत ही गरीब घर का लड़का था, जो बहुत ही गरीब था। जिंदगी में मेहनत कर रहे थे बट कुछ मिल नहीं पा रहा था। रास्ते चलते एक दिन उसको साक्षात भगवान से मुलाकात हो गई। अब जैसा आप भी जानते हैं कि वो आपको पता नहीं चलता है, उन्हें भगवान से मुलाकात हो गई। भगवान बोले, बोलो क्या मांगते हो। तो शिष्य थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि क्या मांगू क्या ना मांगू। तो शिष्य बोलते, गुरुजी हमें एक दिन का समय दीजिए, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि बोलो जो मांगोगे एक वर देंगे जो तुमको चाहिए अभी बोलो। तो शिष्य बोले, नहीं मुझे एक दिन का समय चाहिए। शिष्य ने एक दिन का समय लिया और घर जाते हैं। घर में जाके ये बात अपने पिताजी के साथ शेयर किया कि पिताजी भगवान से मुलाकात हुए थे, भगवान बोले कि एक बार मांगो क्या मांगते हो, एक चीज मांगना। पिताजी ने जैसे इस बात को सुना तो पिताजी बोलते हैं कि लगता है आज मेरा वो सपना पूरा होने वाला है। बेटा हमने तो अपनी जिंदगी गरीबी में गुजारा है, ये पिताजी ने कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी गरीबी में गुजारो, मैं चाहता हूं कि तुम अपने भविष्य अमीरी की तरह गुजारो, अपने जीवन अमीरी की तरह गुजारो। सो तुम भगवान से ढेर सारा सोना चांदी मतलब कीमती सामान मांग लो। बोला ठीक है। अब वो लड़का फिर जाता है अपनी माँ से पूछने के लिए। वो माँ जो बचपन से ही नेत्रहीन थी, कभी अपने बच्चों को भी नहीं देखा था, वो ना देश दुनिया कुछ नहीं देखा था, जो माँ उस बच्चों को 9 महीने पेट में रख के जन्म दिया। तो मां से जब ये बात बोले कि मां भगवान से मुलाकात हुई, बोलो क्या मांगेंगे, एक ही चीज देंगे, तो मां बाबू को उठी और बोली कि बेटा तुम ना मेरे लिए आंख मांग लो, क्योंकि मैं आज तक मैं तुम्हें देख नहीं पाया हूं, मैं दुनिया को देख नहीं पाया हूं, मैं समाज को देख नहीं पाया हूं, मैं देखना चाहता हूं। लड़का बोला ठीक है मां, लेकिन लड़का सोच भी रहा है कि भगवान बोले एक देंगे, अगर पिताजी का सुनता हूं तो मां का पूरा नहीं होता, और मां का सुनता हूं तो पिताजी का पूरा नहीं होता है, फिर एक कलह पैदा होगा। लड़का सोचा जब दो से पूछ ही लेते हैं तो अपनी वाइफ से भी पूछ लें, तो वो अपनी अर्धांगनी से पूछनी चले गई कि भगवान से मुलाकात हुए थे, एक वर देंगे क्या मांगे। तो उनकी पत्नी बोलती है कि देखिए पैसे तो आप आज नहीं तो कल कमा ही लेंगे। So, आज तक हम मां नहीं बन पाए हैं, क्योंकि उनको शादी को 5 साल हो चुका था कि आज तक हम मां नहीं बन पाए हैं, भगवान से आप ना मेरे लिए एक बेटा मांग लीजिए। जब ये लड़का सुन रहा है कि अब इसकी वाइफ की डिमांड आ रही है, एक बेटा, मां का डिमांड है आंख, पिताजी का डिमांड है धन संपत्त, तो ये खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या करना है। अब इनको भी खुद समझ में नहीं आ रहा है तो ये चले जा रहे हैं पड़ोसी में पूछने। जैसे आप जब किसी प्रोजेक्ट के बारे में, मैं जब स्मार्ट वैल्यू के बारे में सुना था तो मुझे जब समझ में नहीं आया तो मैं पड़ोसी से पूछने के लिए गया था। जब पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी अलग अलग तरीके से विचार, जैसे आपको अगर मैं आपके लिए बोलूं तो आप पूरा वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि जरूरी क्या है। आपके लिए मां का आंख है, पिताजी के लिए धन है, ये अपनी वाइफ के लिए यानी अपने लिए एक बेटा है, आप अभी कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइए, आंसर तो मैं लास्ट में दूंगा। आज बहुत सारे लोग दोस्तों सही डायरेक्शन ना मिलने के चलते अपने भविष्य को अच्छे जगह तक नहीं ले जा पाते हैं। जब वो लड़का बोलने के लिए गया, पड़ोसी में पूछने जाता है अपने एक एजुकेटेड अंकल से कि अंकल भगवान से मुलाकात हुआ, एक बार देंगे लेकिन मेरी 3 डिमांड है, पिताजी के लिए धन है, मां के लिए आंख है, अपने लिए पुत्र है, आप बताइए अंकल जी मैं क्या मांगू भगवान से। अंकल जी सलाह देते हैं कि जो मां तुम्हें 9 महीने पेट में कष्ट करके रखी पाली,
तुम क्या उसका कर्ज अदा कर सकते हो? लड़का बोला नहीं। बोला तो तुम्हारे लिए क्या ठीक लगता है? तो उनके अंकल ने एक सजेस्ट किया कि तुम माँ के लिए आंख मांग लो, क्योंकि अब तुम उतने पैसे कमा के माँ का आंख दे नहीं सकते हो, तो कम से कम लास्ट टाइम में तुम्हारी माँ तुम्हें देख तो सकती है, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? ये अंकल का कहना था। आप भी ठीक ही मानेंगे कि उन्होंने माँ के लिए उन्हें आंख मांगना चाहिए, यस और नो? लेकिन लड़का फिर और पूछने चला गया बगल वाले से, एक और वृद्ध व्यक्ति, उनसे भी पूछने गया कि ऐसा ऐसा बात है, भगवान एक देंगे, डिमांड तीन है, क्या मांगे? तो वो सजेस्ट करते हैं कि बेटा देखो, माँ का तो अब चला ही गया, मैं क्या करूं, जैसे हमारी पका हुआ आम कब टपक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। उन्होंने सलाह दिया कि माँ की आंख अब तुम दे के भी क्या कर लोगे, कुछ ही दिन के लिए तो वो मेहमान है, तुम अपने बारे में भी सोच लो कि तुम्हारे अभी कोई आगे पीढ़ी नहीं है, या तुम क्या जिंदगी इसी तरह बाप दादा गरीबी में गुजारा, तुम भी गरीब में गुजारना चाहते हो? तुम धन संपत्ति मांग लो, भगवान से सोना चांदी मांग लो, पिताजी का कहना मांग लो। लेकिन वो लड़का वहां भी नहीं, उसकी भी बातों को नहीं माना, वो चले गए और पूछने के लिए। किसी ने बोला कि यार धन संपत्ति क्या करोगे, सब तो ऐसे आया था, ऐसे ही चला जाएगा, तुम अपने लिए एक पुत्र मांग लो, नहीं तो जिंदगी भर तुम पुत्रहीन रह जाओगे। लेकिन लड़का वहां से परेशान होकर दौड़े दौड़े भागे भागे गुरु के पास गया और गुरु जी को जाके ये सारे समस्या, क्योंकि तब तक समय भी हो चुका था कि कल इनको भगवान के पास प्रकट होना है, फिर अपने इच्छा जाहिर करना है, गुरु को इन्होंने सारे समस्या बताए, गुरु जी मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूं ना करूं? जैसे आप लाइफ में अगर परेशान है तो आपके लिए भी एक बहुत बड़े गुरु, बहुत बड़े लाइफ कोच कहीं ना कहीं है। आज मेरे साथ इस इंडस्ट्री में अगर 65 लाख लोग आगे बढ़ रहा है, 65,000 लोग आगे बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए भी है वो रास्ता जहां से आप वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं। दोस्तों गुरु ने उनको बताया, यार इतनी छोटी छोटी समस्याएं पे आप परेशान क्यों हो रहे हो? शिष्य ने बोला, गुरु इतनी छोटी आपको लग रहा है, क्या करें अगर पिताजी का सुनते हैं तो माँ नाराज, वाइफ नाराज, माँ का सुने तो पिताजी नाराज, वाइफ नाराज, पिताजी का सुने तो माँ नाराज, पिताजी नाराज, क्या करें? बोला कुछ नहीं, मैं जो तुम्हें गुरु मंत्र देता हूं ना, यही जाकर मांग लो। दोस्तों हमारे लिए सभी गुरु हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि कई सारे जो शिक्षक हमें जो शिक्षा देते हैं वो लाइफ में हमें वो ट्रेडिशनल शिक्षा जरूर देते हैं, लेकिन हमें अल्टीमेट करनी क्या है ये डायरेक्शन नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास वो प्रॉपर डायरेक्शन, वो रास्ते नहीं है। दोस्त वो गुरु ने बताया कि ठीक है कल भगवान से मुलाकात होगा, तो मैं जो बोलता हूं वही जाके मांगना। आप अभी तक अगर कमेंट में नहीं किए हैं ना कि क्या मांगना चाहिए, अभी करिए, क्योंकि इसके बाद मैं आंसर देने वाला हूं। लड़का ठीक कल प्रकट होते हैं गुरु जी के पास, जो गुरु मंत्र लिया भगवान के पास पहुंच गए, भगवान आ गया हूं, ठीक है सोच लिया एक ही देंगे। बोला एकदम भगवान जी सोच लिया हूं, एक ही मांगूंगा। बोला क्या चाहिए? बोला भगवान मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरी जो माँ है ना, मेरी माँ अपने पोते को सोने के झूलेला में झूलते हुए देखना चाहती है, भगवान मांगा एक, मेरी माँ अपने पोते को सोने के झूलेला में झूलते हुए देखना चाहती है, चांदी की चम्मच से उसको खाना खिलाएगी। दोस्तों मांगा तो एक, लेकिन पूरा कितने हो गए भगवान के लिए? भगवान ने उनको दिया, तीनों देना पड़ा। क्यों? क्योंकि पहले मां को आंख देंगे, पोता देगा, तो पोते को देखना कहां है? सोने के झूलेला में झूलते हुए, यानी कि सोने का झूलेला पिताजी का डिमांड, मां का आंख, वाइफ का बेटा, यानी ये तीनों चीज एक ही सवाल में, एक ही डिमांड में पूरा हो गया। ये सही डायरेक्शन कौन दिया? एक सच्चे गुरु। इसीलिए तो कहा है गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोस्तों आपने ठीक देखा होगा थंबनेल में कि भगवान बड़ा या गुरु बड़ा, आज मैं आपको बताता हूं कि वो सच्चे गुरु बड़ा जो आपके जीवन के बारे में, जो आपका शुभचिंतक है, जो खास करके डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आज मेरे लिए जो सबसे बड़ा गुरु है
मैं ऐसे गुरु का नाम इस वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया को पहुंचाना चाहूंगा। मिस्टर निरंजन कुमार सिंह, मिस्टर राजू सिंह, मिस्टर सुजय रॉय, मिस्टर पार्थ चक्रवर्ती, ऐसे बहुत सारे गुरु हैं दोस्तों, जिनकी डायरेक्शन से एक लड़का नीचे से उठ के जो रोड पे फेंका हुआ पत्थर था आज पूजनीय हो गया दोस्तों। ये इस वजह से क्योंकि मैंने एक सच्चे गुरु का साथ लिया। आपको भी अगर लग रहा है कि आप जहां पे काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हर आदमी को जिंदगी में तो एक ना एक दिन मंजिल पहुंचना ही है, कामयाबी हासिल करना ही करना है। अगर आप दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल पावरफुल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और एक सच्चे गुरु के साथ, ईमानदार गुरु के साथ, ऐसे गुरु नहीं, बहुत सारे लोग हम महीने में पैसे देते, ट्यूशन देते। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि पान दिया, फूल दिया और अक्षत दिया और पैसा, तीन फूंक मार दिया, बाघ बनो या भैंसा, ऐसे जरूरत नहीं है दोस्तों। एक वो जो आपसे बिना किसी मतलब का आपको एक डायरेक्शन दे। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ऐसे ही होता है, जहां पे आपको हर पल सपोर्ट, आपका भविष्य कैसे बनेगा उसको लेके आपके गुरु को चिंता होती है और वो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है। तो आप अगर चाहते हैं कि ऐसे गुरु, ऐसे मेंटर के साथ आप भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर आप बात कर सकते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे हमको कमेंट कर सकते हैं। आप बताइए कि कहां से आप हैं, कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत के हर राज्य में हमारा काम चल रहा है, मैं आपके साथ हूं दोस्तों। जहां पे एक काम से वो सारे सपने पूरे होंगे। चार सपने तो नॉर्मली सबके होते हैं दोस्त। अगर आपका अपना घर नहीं है तो अपना घर, आप अगर साइकिल से चलते हैं तो सोचेंगे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से तो कार, जो कार से है तो हाहाकार कार, और उससे भी बड़ी जो बड़ी बड़ी गाड़ी से चलती हो सोचते हवाई जहाज, और एक अच्छा इनकम, एक अच्छा परिवार। ये सारे सपने अगर आपके बच्चे हैं तो उनको एक अच्छा फ्यूचर देना, बच्ची है तो उनका एक अच्छा शादी करना, और इन सब के लिए एक पर्याप्त बैलेंस चाहिए जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड से आपको मिलती है दोस्तों। अगर आप इसका डिटेल जानना चाहें तो आप हमारे सेमिनार में आ सकते हैं। भारत के हर जगह पे मेरा सेमिनार होता रहता है। आप नंबर पे बात कर लीजिए कि आपके इलाके में कब होने वाला है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द लाइव में। और हाँ, अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलता रहे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।